गले पर अगर हम हाथ फेरते हैं तो वो गले को ऊंचा करता है और ऊपर और ऊपर। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे जैसे हम किसी बछड़े को गाय के गले को नंदी के गले को बैल के गले को हम उसके गले पर हाथ फेरते हैं तो वो मुख को ऊपर करता है। उसका कारण केवल एक है। शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा कहती है। शिव महापुराण में भगवान शिलाद के पुत्र नंदीश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नंदी मैंने तेरे गले का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर तेरे गले के सारे विष को मैंने निकाल लिया खींच लिया। सुनो नंदी तुम्हारे नाम को लेकर नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर जिसके कंठ में गले में शरीर में बड़ा रोग हो जाता है बहुत बड़ा कोई रोग हो गया जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी बहुत बड़ा रोग बहुत बड़ी अगर बीमारी बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया कोई लीवर कोई किडनी कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्बा कितनी दुर्बा एक दुर्बा एक दुर्बा एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्बा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्बा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्बा चढ़ाओ और दुर्बा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे जल चढ़ाएंगे धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्बा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिवजी का नाम लेकर नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी लीवर कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्बा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर पंच बेलपत्र पंच पुष्प पंच दुर्बा और पंच पात्र जल पांच पुष्प पांच बेलपत्र पांच दुर्बा और पांच पात्र मतलब पांच लोटा जम के बोलो जल ये कोई साधारण नहीं है। पंच बेलपत्र के साथ पंच पुष्प के साथ पंच दुर्बा के साथ पंच पात्र जल के साथ ये सहजता नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा बहुत जिन जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो बेटा बेटी के विवाह में देरी हो रही हो या सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी के नाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा तो ये नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा खगड़िया में जो चल रही है बिहार में इसके आज शुरू के दिन की कथा का स्मरण करिएगा। पांच बेलपत्र पांच दुर्वा पांच पुष्प और पांच लोटा जल सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को एक बेलपत्र एक दुर्बा एक पुष्प एक लोटा जल समर्पित कर थोड़ी देर रोककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर फिर बेलपत्र फिर दुर्बा फिर पुष्प फिर जल ऐसा पांच
पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए बाबा, गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। तुम रुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। बोल तुम रुक्रेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की।